लेकिन अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। राजधानी दिल्ली में किस तरह का हाल है वो अब इन आप संख्याओं के जरिए समझिए। अभी तक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में भी मामले लगातार बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 190 नए मामले पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं, जो वाकई में चिंता का विषय है। और दिल्ली में कोरोना से अभी तक ये कहा जाए 54 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि पिछले 48 घंटों में एक भी मरीज की मौत की खबर नहीं आई, ये एक राहत की बात है। आइए सीधे रुख हम दिल्ली का कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर, जिस तरह से अभी ये कहा जाए अलग अलग रास्ते अपनाए गए, ये कहा जा सकता है कि बॉर्डर सील करने को लेकर काफी सख्ती नजर आई, चाहे बात हम नोएडा की करें, फरीदाबाद की करें, दिल्ली की करें, लेकिन फिर भी जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, क्या इसको लेकर अब कुछ और भी तैयारियां की जा रही प्रशासन की ओर से, क्योंकि कई दुकानों को भी, कई सेक्टर्स को भी खोला जा रहा है, ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा होंगी। देखिए बिल्कुल नैना, क्योंकि अगर आप देखेंगे हॉट स्पॉट्स की संख्या जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। केवल एक हॉटस्पॉट रह गया, 100 हॉटस्पॉट्स जो है करीब करीब हो चुके हैं। आपको पता है अभी तक जो है 99 हॉटस्पॉट दिल्ली में हो चुके हैं और 99 हॉटस्पॉट्स पे लगातार सीलिंग का काम जारी है। वहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं है बल्कि पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। हालांकि हॉटस्पॉट से खबरें ये भी आ रही हैं कि जो लोग अंदर हैं, क्योंकि वो पूरे का पूरे फाटक लगा दिए जाते हैं, इधर से उधर आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल करके मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। और इसके अलावा दिल्ली में अगर आप सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला सामने आया है। हालांकि फोर्थ क्लास एम्प्लॉय था, कर्मचारी है, वो उसका मामला सामने आया है। और यही जो नई बिल्डिंग बनी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको क्वारंटीन करने की, उसको पूरे तरीके से साफ सफाई करने की बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के मामले जिस तरह से बढ़े, 54 लोगों की मौत हुई है, 48 घंटे में कोई ऐसा नया मामला नहीं आया मौत का, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली जो है एक हॉटस्पॉट जोन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गुजरात के बाद दिल्ली, ये तीन जो प्रदेश हैं जो स्पीड थी कोरोना संक्रमित मामलों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो साफ सफाई का काम है, दिल्ली सरकार लगातार जो सैनिटाइज कर रही है तमाम इलाकों को, जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, मंडियों में भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। लेकिन पिछली आपने तस्वीरें देखी थी कि आज़ादपुर मंडी में किस तरह का हाल था, उसके बाद मशीनें लगाई गई। तो कहीं ना कहीं ये अभी तैयारियां पुख्ता तौर से लगातार दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन अभी जो चिन्हित मामले हैं, जो जहाँ पर हॉटस्पॉट्स और हो सकते हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, तमाम ऐसी जगहों को देखा जा रहा है जहाँ पर मामले आए हैं। अभी जो छूट दी की बात की गई थी उसमें हमने दुकानों पे जाके देखा कि लोग जब पुलिस वाले होते हैं, जब दिल्ली पुलिस के कुछ लोग होते हैं तब तो ठीक डिस्टेंस बना के चलते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस के लोग हट जाते हैं तो वैसे ही डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सही था। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती भी है, यही कहा जाए कि जब तक प्रशासन वहां पर मौजूद रहता है, प्रशासनिक अमला जब वहां पर मौजूद रहता है तब तक तो लोग समझते हैं, लेकिन उसके बाद में जब लोगों की लापरवाही बढ़ती है उसके बाद में यही वजह है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।